तो आखिर साहब क्या कहेंगे, विधानसभा के चुनाव में तो उम्मीद से बिल्कुल विपरीत आपकी पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने भर भर के वोट दिए। जहां तमाम दावे थे भूपेश सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के, वो दावे तमाम फ्लॉप हुए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार तो मोदी की गारंटी की काफ़ी चर्चाएं हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। आज जिन छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग हुई है, परसेंटेज भी अच्छे ही कहूंगा मैं, लगभग 60-65% के ऊपर आ गए हैं, क्या कहेंगे ओवरऑल इन 3 सीटों के वोटिंग परसेंटेज को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात जो ज्यादा से ज्यादा वोट डाले हैं, मैं इनका सबका आभार प्रकट करता हूँ। खासतौर पे माननीय मोदी जी के ये अपील का कमाल है कि उन्होंने अपील की थी कि पिछली बार जो वोट कम हुए थे उसके हिसाब से उन्होंने अपील की थी कि अपने घरों से निकलिए और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा कम से कम समय निकालिए और ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए। तो ये उसकी उनकी अपील का नतीजा है, क्योंकि मोदी जी को देखिए पूरा देश मानता है, मानता है और राज्य के हमेशा तो हमेशा उनको ध्यान रखकर ही उनके कार्य को आगे बढ़ाना है। माननीय मोदी ने जीवन में आज तक कार्य किया है, इसका नतीजा है कि इन 10 वर्ष जो विकास के गति विकास है, यहाँ चाहे वो आर्थिक विकास है, और विकसित भारत की ओर जो उन्होंने एक विजन रखा है 2047 तक, ये भी जनता समझ रही है। क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो भी वादे किए, चाहे गरीबों के लिए आवाज बनाने की बात हो उन्होंने पूरा किया, चाहे जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल पहुंचाने की बात हो उन्होंने पूरा किया, गरीब लोगों को अन्न पहुंचाने की बात हो उन्होंने पूरा किया, और इसी प्रकार से देश की सुरक्षा की बात हो तो वो भी उन्होंने पूरा किया। साथ ही साथ धारा 370 हटाने की बात हो, 35 हटाने की बात हो, जिसके कारण से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था और आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और उसका नतीजा ये था कि हम अपना तिरंगा तक लाल चौक में नहीं फहरा सकते थे। आज बड़े गर्व की बात है कि तिरंगा भी वहां फहरता है, भारत माता की जय के भी नारे वहां लगते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अलावा माननीय मोदी जी ने ट्रिपल तलाक की बात की थी, वो भी उन्होंने कानून के रूप दे दिया। उसके अलावा माननीय मोदी जी ने बताया था कि ये मंदिर भी हम बना के दिखाएंगे, जो हमारा नारा था, कोर्ट का भी आदेश आया और माननीय मोदी जी ने उसको बना के दिखाया, और उसका जब आपका प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो ये भी जो है बता दिए कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो उसका शुभारंभ भी और प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने चाहे वो अगर राम मंदिर के राम के अस्तित्व का मामला हो, 25-25 वकील लगाकर राम के सेतु और राम के अस्तित्व को नकार दिया इन्होंने। साथ ही साथ बोलते कि हमको निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई और प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई, निमंत्रण दिया गया तब भी पीले चावल निमंत्रण मिलने के बाद भी इन्होंने उसको नकार दिया। इससे साबित होता है ये कि राम के विरोधी हैं और हमेशा राम का विरोध करते रहे हैं। इससे ये पार्टी की रीति और नीति और संस्कृति तीनों ये दिखती है, और माननीय मोदी जी की रीति और नीति संस्कृति यही है कि भारत को पूरे विश्व में सर्वशक्तिमान बनाना, विश्व गुरु बनाना, साथ ही साथ गरीबों को भी हित में ध्यान रखते हुए हर चीज को उनकी वादा जो वादा किया उसको अच्छा सा पूरा करने का जो कार्य माननीय मोदी जी ने किया है, इसके पहले कोई भी सरकार ने इतना अच्छा कार्य कभी कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया था। चलिए, तमाम जो बातें हैं, मुद्दे हैं, उनका जिक्र तौकीर रजा साहब ने किया है। अनिल जी, आपने भी उनकी बातें सुनी ही होंगी, लेकिन एनडीटीवी से बातचीत करते हुए आपकी पार्टी के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बड़ा दावा किया है। एनडीटीवी से भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ठीक है, विधानसभा चुनाव में जनता ने हमें साथ नहीं दिया, सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन ये मैं लौटूंगा आपके पास अनिल। अनिल जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार इस वक्त जुड़ गए और उनके साथ मुझे जानकारी मिल रही है उप मुख्यमंत्री जी जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, ओवरऑल टू यू, पूछिए जरा उप मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे इन 3 सीटों पर हुए चुनाव मतदान पर। मतदान केंद्रों पर लाइन लगी, लोग उत्साहपूर्वक मतदान के लिए निकले और भारी पैमाने पर मतदान हुआ है। निश्चित रूप से मैं मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, इससे लोकतंत्र मजबूत होने वाला है और मतदान कर्मी, चुनाव आयोग, सुरक्षा के जवान और पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतने मेहनत करके विपरीत मौसम होते हुए भी इतनी भारी पैमाने पर मतदान उन्होंने कराई है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और जो उत्साह दिख रहा है, पहली बार ये प्रो
इनकम्बेंसी दिख रही है। सरकार के प्रति रुझान और आकर्षण नरेंद्र मोदी जी के प्रति आकर्षण है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 सालों में कर दिखाया है, लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है और स्वयं आगे बढ़कर आ रहे हैं। और ये ऐतिहासिक चुनाव है, एक मजबूत सरकार, एक निर्णायक सरकार और स्थिर सरकार बनाने के लिए जनता नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रही है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की ये दूसरे चरण की तीनों लोकसभा, पहले चरण की बस्तर लोकसभा और तीसरे चरण के आने वाली 7 लोकसभा सीट भी जीतने का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। फर्स्ट फेज में अगर देखा जाए तो मतदान का प्रतिशत बढ़ा था, सेकंड फेज में भी यही अनुमान लगाया जा रहा है बढ़ा है। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में मतदान बढ़ना, ये क्या संकेत है? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दूसरी तरफ विष्णुदेव साय की सरकार ने जो मोदी की गारंटी पूरी की है और इसके कारण से छत्तीसगढ़ में हो सकता है कुछ ज्यादा उत्साह हो, पर यह तय है कि मतदाता उत्साहित है एक मजबूत सरकार के लिए, एक निर्णायक सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिनका ये कहना है कि पूरे प्रदेश में उत्साह है और एंटी इनकम्बेंसी का शब्द सुना था, अब ये प्रो इनकम्बेंसी की बात अरुण साव जी ने कही है कि छत्तीसगढ़ की जनता साथ में है और वो तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लहलाए थे। जी चलिए आप बने रहे, ये हमारे साथ हमारे सहयोगी थे जुल्फिकार, जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव से बात कर रहे थे। मैं लौटूंगा आपके पास जुल्फिकार। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे अधूरा रह गया था, मैं आपको समय दे रहा हूं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भूपेश बघेल का कुछ, आपकी पार्टी का कुछ आधार तो होगा, ये जो परसेंटेज वोटिंग का आज छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर आया है, बीजेपी के नेता अपने दावे कर रहे हैं लेकिन भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में है, ये मुद्दों को जरूर आपकी पार्टी ने भुनाने की कोशिश की हो विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद, लेकिन क्या आधार रहेगा इसका? देखिए साहब, जनता पूरी तरह से 10 सालों में पीड़ित और परेशान हो गई है, पूरा देश प्रयोगशाला बन गया है, लोकतंत्र और संविधान हाशिए पर है, जिस तरह से तानाशाही और उन्माद का शासन है, 1% लोगों के पास 50% हिंदुस्तान की पूंजी इकट्ठा कर दी गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक घराने को पूरी संपत्ति सौंपने का पूरा खेल चल रहा है, सार्वजनिक या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किस तरह से सिर्फ 1-2 परिवारों को देने का खेल चल रहा है, मीडिया घरानों को ध्वस्त करने का खेल चल रहा है, राजनीतिक दलों को चाहे शिवसेना हो चाहे राकपा हो समाप्त करने का खेल चल रहा है, विधायकों और सांसदों की मंडी लगा दी गई है, सांप्रदायिक जहर इस कदर फैला दिया गया है कि छोटे छोटे बच्चे तक उससे प्रभावित हो गए हैं। तो आज देश में जो वातावरण है, जनता पूरी तरह से उब गई है, इतना हिंसक और ऐसा स्वरूप कभी देश की जनता ने सोचा नहीं था। 3 कृषि काले कानून लाने वाले मोदी जी, नोटबंदी, GST, इस तरह के कई काले कानून लाए, हजारों किसानों की शहादत हो गई। आप देखिए कि देश में केंद्रीय एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं का कैसा अवमूल्यन हुआ। अब लोग किसी के यहाँ कोई वारदात हो जाए CBI जांच की मांग नहीं करते, इतना अवमूल्यन कभी किसी ने सोचा नहीं था। आप 2014 से पहले चले जाए तो सदन में भी पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत स्वस्थ माहौल में चर्चा होती थी, टकराव कभी कभी राजनीतिक होते थे, लेकिन आज सरकार की आलोचना करना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अंधभक्ति इतनी चरम पर आ गई है कि दो लोगों पे पूरी भारतीय जनता पार्टी अनिल जी, लेकिन अनिल जी मुझे ये समझाइए ना, ठीक है ये जो बातें, जो मुद्दे, जो आरोप आप लगा रहे हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर एक लेवल पर ठीक है, ये जरूर इंडिया गठबंधन के सभी पॉलिटिकल पार्टीज से भी मैं पूछना चाहूंगा अगर वो पैनल में होते तो, लेकिन मैं बात छत्तीसगढ़ की कर रहा हूं। पिछली बार तो 2 सीटें आपकी पार्टी लाई थी, इस बार बीजेपी सभी 11 सीटों पर फतह की जीत की बात कर रही है, आपके सामने तो बड़ी चुनौती है। अगर छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटें बीजेपी अगर जीत जाएगी तो कांग्रेस के वजूद पर, भविष्य पर सवाल होगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप बताइए ना, क्या वो आधार रहेगा, क्या रणनीति रहेगी जो कांग्रेस पार्टी 11 में से अधिक सीटें जीत रही हो? देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इनके 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने गए थे, और चाहे 1,15,000 ट्रेनें निरस्त होने का मामला हो, चाहे यहाँ जो कृषि यंत्रों पे GST लगने का मामला हो, चाहे यहाँ की GST और रॉयल्टी रोक देने का मामला हो, बारदानों का संकट हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, सिर्फ 2 सांसद आवाज उठाते थे, दीपक बैज जी और ज्योत्सना महंत जी, सारे सांसद चुप थे, पूरा दिल्ली के रिमोट कंट्रोल और उनके अंडर में थी। यही कारण है अभी आप जो 3 सीटों पर चुनाव देख रहे हैं उसमें 2 सीटों पर बाकायदा
ये लगभग टिकट काट दी अपने सांसदों की। तो ये जो इनके प्रत्याशी है जानते हैं, ये डमी उतारते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने कहा जो राज्य के विधानसभा के चुनाव हुए उसमें रिजल्ट क्यों प्रभावित हुआ, बहुत अच्छा सवाल था आपका। जब केंद्रीय एजेंसियों को इस कदर इस्तेमाल किया जाएगा कि सारे बड़े नेताओं का चरित्र हनन किया जाएगा, झूठे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जाएगा। आप सूरत और चंडीगढ़ का उदाहरण देख लीजिए। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में अगर इनको धोखे से भी जनता ने सरकार दे दी तो 100-200 सांसद ऐसे उठा लेंगे। गुजरात में क्राइम ब्रांच ने जिस तरह से सूरत में खेल किया, पूरे लोगों को, उनके परिवारों को उठाकर नाम वापसी कराई, आप क्या देख रहे हैं? चंडीगढ़ में जो हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का दखल नहीं होता तो आप सोचिए क्या होता। आज ये मुख्य जो चुनाव आयोग है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय है चाहे उच्च न्यायालय है, रोज उसमें लगातार बदलाव और उनके अधिकारों के हनन की बात क्यों करते हैं? ये उन्मादी सरकार है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चरित्र हनन हुआ, झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, कभी महादेव वेप ले आते थे, कभी कुछ ले आते थे, आज फॉर्चून गेमिंग और महादेव वेप आज तक चल रहा है। आज लोकसभा के चुनाव है, इनके डबल इंजन की सरकार है और वो महादेव वेप मोबाइल पे खुलिए बकायदा चल रहा है। ये कौन सा खेल, कौन सा षड्यंत्र है, कहां से कमीशन खोरी हो रही है, कैसे दुबई से अपराधियों से बयान दिलवाया जा रहा है? ये जो चक्र है, हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता भावुक है, उसको समझने में थोड़ा समय लग गया। संक्षिप्त में, संक्षिप्त में मैं जवाब ले लेता हूं, फिर मुझे अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास जाना है। जरूर देगी। तौकीर साहब, तौकीर साहब, संक्षिप्त में जरा जवाब दे दीजिए, गंभीर आरोप अनिल जी लगा रहे हैं। मेरे को विस्तार से समय लगे तो विस्तार देगा। देखिए ऐसा है, ये जो आरोप लगा रहे हैं सारे झूठे हैं। आपने देखा ईडी ने जब कार्रवाई करी तो एक एक चीज के सबूत इकट्ठे किए, नोट, इतने नोटों के बंडल मिले, सोने गहनों के जेवरात का भंडार मिला और जमीनों के ढेर सारे कागजात मिले। और इसी कारण से जब ईडी कार्रवाई कर उनको अंदर करती है तो अदालत उसको आज तक जमानत नहीं देती है। अगर ईडी ये गलत कर रही तो सीधा सीधा ईडी पे इल्जाम लगाते हैं, अदालत पे इल्जाम लगाते हैं। इनके नेता ढेबर अंदर है, इनके नेता सूर्यकांत तिवारी अंदर है, इनके नेता छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में खेल खेली है तौकीर भाई। किस तरह से नेताओं को भ्रष्ट बताया गया, एफआईआर किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी उनको भ्रष्ट कहते थे और उसके बाद आप क्या गए? एक एक करके अनिल जी मैंने मौका दिया आपको, सुन लीजिए तौकीर साहब को। ओबीसी लॉन्ड्री है आपके पास, जहां आप एफआईआर भी करते हो। अनिल जी सुन लीजिए, अनिल जी सुन लीजिए, तौकीर साहब का पहले जवाब तीन घंटे चार घंटे भी कम पड़ जाएंगे, हम इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दे तमाम तो लंबी लंबी फहरिस्त है की बात कर रहा है, लंबी फहरिस्त है, तमाम बड़े गंभीर सवाल है, लेकिन इस पर तो जवाब देने जरा तौकीर जी, इस पर जय दे रहे हैं जवाब जी। तौकीर जी, झूठी शान के परिंदे ही जाली खपाते हैं, झूठी शान के परिंदे ही जाली खपाते हैं। बात की ऊंची उड़ान में आवाज नहीं होती, यही स्थिति है। माननीय मोदी जी जो उड़ान भर दिए हैं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है इनको, ये आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है भाई। मोदी जी के साथ साथ भारत का डंका बज रहा है, क्यों इतना दर्द होता है आज विश्व में? अगर भारत विश्व गुरु किसकी बात कर रहे हैं? मानव अधिकार आयोग कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता प्रकट कर चुका है अल्पसंख्यकों के मामले में। देखिए यूएनए कितनी बार चेतावनी दे चुका है, भुखमरी में हम लगा। चलिए देखिए देखिए ऐसे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा, आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे। अनिल जी, मैं आपको तीन बार आग्रह कर चुका हूं, ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं लौटूंगा। जुल्फिकार, जरा मैं आपसे अपडेट लेना चाह रहा हूं। अब जरा दोनों राजनीतिक मेहमानों को आपने सुना, गहमा गहमे का माहौल हो गया, अपने अपने दावे, लेकिन ओवरऑल सुबह से आपने भी तीन सीटों को देखा, महासमुंद, कांकेर, राजनांदगांव। क्या ओवरऑल अपडेट रहा आपकी नजर से, वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से, मतदाताओं के लिहाज से, और हमारे दोनों राजनीतिक दलों के अपने अपने दावों के हिसाब से? जुल्फिकार, अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, हालांकि फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन जो 5 बजे तक के आंकड़े थे, 72% से ज्यादा छत्तीसगढ़ में मतदान हो गया। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण पे भी मतदान का प्रतिशत पिछले बार 2019 में जो मतदान का प्रतिशत रहा है उससे कुछ ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी दीपक हमने देखा कि बस्तर में फर्स्ट फेज में जो मतदान हुआ, हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बाद भी जो लोगों में उत्साह नजर आया और जो पिछली बार के मतदान के प्रतिशत से 1.1% से ज्यादा मतदान हुआ, तो ये साफ
के थे कि लोग जो अंदरूनी इलाकों के हैं और आदिवासी क्षेत्र के हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, दूरस्थ इलाकों के लोग हैं, जो पहुंचविहीन इलाके हैं जहां पे पहली बार पोलिंग स्टेशन बनाए गए, उन इलाकों में लोगों में उत्साह नजर आया। क्योंकि बस्तर की कुछ सीटों में ऐसा देखा कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से पहली बार देश आजाद होने के बाद वहां पे मतदान हुआ और बढ़ चढ़कर वहां के लोगों ने हिस्सा लिया, तो जिसका नतीजा ये रहा कि मतदान में प्रतिशत बढ़ा। अब दूसरे चरण में अभी अगर देखें तो कांकेर है, राजनांदगांव है और महासमुंद की 3 लोकसभा सीटें हैं। इन 3 लोकसभा सीटों में जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं वो 72% से ज़्यादा के आंकड़े हैं और पिछले 2019 में 74.95% मतदान हुआ था। उस लिहाज से देखें तो 2.5% ही कम होता है और 1 घंटे का समय था, जो पोलिंग स्टेशन में पहुंच गए होंगे उनको पूरे मतदान करने का अधिकार रहता है। तो ऐसे में जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो निश्चित तौर से ये माना जा रहा है कि ये 76% से ऊपर के मतदान हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से देश के दूसरे राज्यों की तुलना में जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत कहीं कम नजर आ रहा है और छत्तीसगढ़ में जो मतदान का प्रतिशत बढ़ता नजर आ रहा है, तो उससे साफ है कि यहाँ के लोगों में लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति को लेकर वो काफी उत्सुक है और उनमें उत्साह है। और यही वजह है कि उस उत्साह को इतनी गर्मी, इतनी चिलचिलाती गर्मी के बावजूद लोग अपने से घरों से निकले और अपने मताधिकार का उपयोग किए। अब इनके समीकरण वाला विषय है कि ज्यादा मतदान प्रतिशत हो रहा है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये कई सारे अपने अपने तर्क होते हैं। अगर छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो पिछले जो चुनाव हुए हैं 2009 का जब चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ में करीब 56% मतदान हुआ था। फिर उसके बाद जब 2014 का चुनाव हुआ तो उस समय पे मोदी लहर की बात कही जा रही थी, तो एकदम से 16% के करीब मतदान का प्रतिशत बढ़ गया, जिसका फायदा अगर देखा जाए तो बीजेपी को रहा है। लेकिन राज्य बनने के बाद चाहे मतदान प्रतिशत कम रहा हो या ज्यादा रहा हो, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी गढ़ के तौर पर रही है। या तो यहाँ पे 10 सीटें बीजेपी जीतती रही है या पिछले चुनाव 2019 में 9 सीटें जीती है। अब अगर उस लिहाज से देखें तो 2014 का जो चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी की 10 लोकसभा की सीटें थी, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें मतदान प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा और उसमें भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीत पाई। तो ये कहना कि मतदान प्रतिशत बढ़ गया, घट गया, ये हम आकलन कर सकते हैं, लेकिन कौन से वर्ग ने मतदान नहीं किया, किस वजह से मतदान नहीं किया और जिसने मतदान किया तो उसमें किस तरीके का उत्साह था, ये बातें बहुत सारी हिडन में रहती हैं। क्योंकि हम कुछ लोगों से बातचीत करके आकलन जरूर लगा सकते हैं कि इस तरीके से ऐसा ट्रेंड रहा है तो इस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन मतदान का प्रतिशत से एक बात दीपक की कही जा सकती है कि उत्साह होना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लोग अगर अपने मताधिकार का उपयोग करके अपने जनप्रतिनिधि का, अपने सांसद का चुनाव कर रहे हैं, मतलब वो जागरूक हैं और अपने क्षेत्र में एक अकाउंटेबिलिटी अपने सांसद के प्रति पेश कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपना सांसद चुना, अब उसकी जिम्मेदारी है कि केंद्र की सरकार में अपनी सहभागिता निभाते हुए उस क्षेत्र के विकास में केंद्रीय योजनाओं को उस क्षेत्र में जमीन में उतारे। ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर चुनाव होते हैं और लोकतंत्र में कि ये खूबसूरती है कि आपको मताधिकार का अधिकार है और अपने जनप्रतिनिधि को सुनिए और उससे उम्मीदें लगाइए कि वो आपके क्षेत्र का विकास करे। ठीक, और इन तमाम मुद्दों को लेकर मतदान होता है। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए संक्षिप्त में मैं दोनों राजनीतिक मेहमानों से जवाब ले लेता हूं। जुल्फिकार ने भी बिल्कुल ठीक बात कही है, जो आंकड़े परसेंटेज को लेकर अपने अपने दावे हैं दलों के। अनिल जी, आपसे आग्रह, मैं आपको भी मौका दूंगा बराबर, पहले तौकीर साहब, मेरे पास समय की कमी है, 30 सेकंड में संक्षिप्त में आप जवाब दे दें। देखिए, मैंने पहले कहा माननीय मोदी जी की अपील का नतीजा है जिसके कारण से वोट प्रतिशत बढ़ाया। ठीक है, अपने अपने दावे आप पेश कर सकते हैं। जरा कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप तो जीतने के लिए चुनाव लड़ कहां रहे हैं, आप ये बताइए, पूरे देश में अगर बहुमत के हिसाब से आपको सीट का आंकड़ा लड़ना था, आपने लड़ा कहां? आपको उस टाइप से, आपने जो बहुमत के हिसाब से जीत के लिए आपको कैंडिडेट खड़े करने थे, आपने नहीं खड़ा किया। इससे साफ समझ में आता है कि आपको सिर्फ विपक्ष के हिसाब से भूमिका निभाने के लिए भी सिर्फ अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसमें भी आप यह है जो आपका जो दहाई का आंकड़ा भी अगर आप पार कर ले, बहुत बड़ी बात है। आज मोदी का जो लहर चल रही है वो इससे समझ में आता है कि कांग्रेस का सुपड़ा इस बार साफ होने वाला है। ठीक है, माननीय मोदी, ठीक है, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में अनिल जी, अनिल सिंह जी, देखिए पूरी तरह से तौकीर भाई और भारतीय जनता पार्टी आत्ममुग्धता का शिकार हैं। जिस तरह से मोदी जी ने इस देश में तानाशाही और सांप्रदायिकता और जहर और नफरत का वातावरण बनाया है, उससे जनता जरूर जवाब देगी। देखिए, भावनाओं को भड़काकर 1-2 चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन लगातार जनता जब देख रही है कि महंगाई अपनी चरम पर है, बेरोजगारी अपनी चरम पर है, 50 सालों के देश में लोकतंत्र रोज आहत हो रहा है, तो जनता जरूर जवाब देगी, क्योंकि उनको लोकतंत्र और संविधान बचाना है। और देखिए, लोकतंत्र और संविधान बचा रहेगा जब राष्ट्र बचा रहेगा,
तब हम सब सरवाइव कर पाएंगे। जिस तरह से हिटलर साहिए कर रहे हैं, आज आप देखिए पूरे देश में ये वातावरण है, हर व्यक्ति असुरक्षित है। जो सरकार से सवाल पूछता है उसको या तो अपराध दंड कर दिया जाता है। फिलहाल फिलहाल टोके साहब, अनिल जी, जो दावे आप दोनों दमदारी से कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, दर्शक जरूर इस वक्त असमंजस में सोच रहे होंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। दोनों ही मेहमान हमारे दमदारी से जिस तरह बात कर रहे हैं, तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं, दर्शक हमारे जरूर थोड़े असमंजस में होंगे, लेकिन समय की कमी से इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। अनिल सिंह चौहान जी, तौकीर रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फिकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखना होगा अब छत्तीसगढ़ में आखिर किस तरफ 4 जून को परिणाम आते हैं। दावे तो दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने और बड़े पुख्ता हैं। फिलहाल एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।